तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बलूचिस्तान पीएम इन एक्साइल अक्स फॉर इंडियन सपोर्ट एट यूएन। मतलब बलूचिस्तान की प्राइम मिनिस्टर लेडीज़ इंडिया से सपोर्ट मांग रही है कि बलूचिस्तान को आज़ाद किया जाए पाकिस्तान से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुजम्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैक्ट। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है गाइस बलूचिस्तान के अंदर से। गाइस बलूचिस्तान की पीएम इन एग्जाइल गई हुई है इस टाइम इंडिया के अंदर। गाइस इंडिया के अंदर जाकर वो नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रही हैं, इंडिया के गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप बलूचिस्तान के बारे में यूएन के अंदर आवाज़ उठाएं और बलूचिस्तान के उसके हकूक दिलाएं। दुनिया का जो सबसे जलील पासपोर्ट है इस वक्त वो पाकिस्तान का है। दुनिया में सबसे ज्यादा जलील किसी एयरपोर्ट पे कोई किसी को खड़ा करते हैं लाइन अलग करके, वो पाकिस्तानी है। आप खुद को बोलो मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ, आपकी इज्जत बढ़ जाती है दुनिया में। भारत के लोगों को तो हम यही कहते हैं कि तुम दुनिया में जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे हैं वो किसी और ने नहीं मारे। 10,000 फलस्तीनी एक रात में मारे, 2,00,000 बलूचिस्तान में ये मार चुके हैं, बांग्लादेश में 30,00,000 मार चुके हैं, ये अफगानिस्तान में 4,00,000 लोग मार चुके हैं। इतने मुसलमान किसी ने मारे आज तक जितने पाकिस्तान ने मारे। जेनोसाइड की जो किस्म आप सोच सकते हो वो हमारे साथ ये कर रहे हैं। इनका जो न्यूक्लियर जेनोसाइड है जो इन्होंने हमारे साथ किया है, उसके बाद 6 साल बलूचिस्तान में बारिश नहीं हुई। भारत के लोगों को तो हम यही कहते हैं कि तुम खुशकिस्मत हो, लकी हो कि तुमको भारत जैसा मुल्क है। तो गाइस इसके अंदर क्या इंडिया बलूचिस्तान का साथ देगा, बलूचिस्तान की पीएम का साथ देगा, क्या पाकिस्तानी बलूचिस्तान की तहरीक को कामयाब होने देंगे या नहीं होने देंगे, इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय रखती है, आइए मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। सर नाम आपका? यासीन। क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब करते हैं। क्या लगता है कि आपको क्या हालात है मुल्क के, गुजारा सही चल रहा है? जी बहुत मुश्किल है गुजारा, जितनी महंगाई हो गई, पेट्रोल की कीमत रात को फिर बढ़ गई, आज सुबह फिर बढ़ गई है, तो बहुत मुश्किल है गुजारा। पेट्रोल की कीमत कम करते वक्त तो बहुत कम करते हैं, पेट्रोल की कीमत एग्जैक्ट क्या होगी ये बताइएगा हमारे ऑडियंस को। एग्जैक्ट कीमत इस वक्त जो है, एग्जैक्ट जो कीमत है इस वक्त तो 276 हो गई, 19 रुपये फिर बढ़ गई है, सुबह पता लगा 10 बजे। कितने हुए टोटल? आप 273 रुपये मेरे ख्याल पहुँच गया, अभी मैंने पंप पे देखा 273 रुपये। गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 18,000 रुपये, वो 273 रुपये कहाँ से अफोर्ड करेगा एक लीटर लेकर, क्या वो पूरा महीना गुजार सकता हूँ आपको? ये जो नवाशी और शबाशी वगैरह हुकूमत में बैठे हुए ना, ये हमारे टैक्सों पर ऐश कर रहे हैं, ठीक है। तो आवाम बेचारी वो कहते हैं ना मुल्क को डिफॉल्टर से बच गया, खाक मिल का मुल्क ये खुद डिफॉल्ट होने से बच गए हैं। बेचारे गरीब आदमी है वो तो पिस गए हैं, वो तो पता नहीं गुजारा कैसे कर रहे हैं, हमें पता नहीं हम कैसे गुजारा कर रहे हैं। किराया कहाँ चलेगा, मतलब आटा की कीमत कहाँ चलेगी, चीनी की कीमत कहाँ चलेगी, ये सर जिस तरह से बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, अल्लाह ना करे इस तरह की कोई सिचुएशन हमें आगे देखने को मिले, लेकिन मैं आपको आने वाले टाइम के बारे में एक बात बताना चाहूँगा। बलूचिस्तान की पीएम है, पीएम ऑफ एग्जाइल जिसे कहते हैं सर, वो अभी गई हुई इंडिया, इंडिया जाकर इंडिया से अपील कर रही है कि आप यूएन के अंदर जाकर आवाज़ उठाएं बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए, बलूचिस्तान को पाकिस्तान उसके हकूक नहीं दे रहा। सिंध के अंदर सिंधु देश बनने के लोग तहरीक चला रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर आज़ादी चाहते हैं लोग, कहाँ जाएगा पाकिस्तान के, क्या हालात होंगे अगर बांग्लादेश जिस तरह से अलग हुए, क्या पाकिस्तान के इस तरह से टुकड़े तो नहीं होते नजर आ रहे? सच्ची बात बताऊँ आपको, ये जो 1.5 साल में ये जो हुकूमत है, इन 1.25 साल से इन्होंने मुल्क को इतना वो मतलब जुल्म किया है या मुल्क के वो हालात कर दें कि टुकड़े होने की बात ही कर रहे हैं। ये जो टुकड़े होने की बात कर रही है, यकीन माने जो मैं सच्ची बात कर रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान की फ़ौज है, हम इससे इतनी मोहब्बत करते थे, वो फौज वाले खुद बताते हैं कि लोग जीपों को हाथ लगा के चूमते थे, और ये मैंने सुना है टीवी पे, और अब यकीन माने हमारे दिल में क्या, हम बता नहीं सकते वो हमें, हम ये ना हो रात को मैं घर ना पहुँचूँ। छोटे छोटे तबके का आप बात कर रहे हैं कि वो जो बलूचिस्तान जो ये हालात क्यों हो रहे हैं, इसी वजह से हो रहे हैं। ये जो हमारे जो करता धरता है वो क्या कर रहे हैं मुल्क के साथ, ये अलहदा करने वाली बातें हैं, टुकड़े करने वाली बातें हैं। सच्ची बात है, मतलब दुख होता है मैं जब देखता हूँ ना हालात पे, ये बांग्लादेश को कहते हैं हमारे ऊपर बोझ हैं, उनके पता नहीं 50-60 अरब डॉलर पे असासे हैं, हम 2-3 अरब लोगों से मांग के पुड़कियाँ मार रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं कि हमने पता नहीं क्या किला फतह कर लिया। मैं तो हैरान होता हूँ इन पर, ये जो हमारे लीडर हैं, और उससे ज़्यादा मुझे अफसोस अपनी आवाम पे है, वो सब कुछ देख रही है, सब कुछ जानते हो, तो फिर भी आंखें बंद किए हुए रोड पे बात करूँ मैं आपको, सच बात करूँ, ये मुझे ना लीडरों से ज़्यादा, सियासतदानों से ज़्यादा हमारी कौम पे सब कुछ देख रहे हैं, मतलब देख के भी अंधे बने हुए, मैं तो हैरान होता हूँ अपनी कौम पे। तो ये मतलब जब आवाम ही ऐसी अंधी होगी तो फिर इनका असर ऐसे ही होना चाहिए, मैं तो सही कह रहा हूँ आपको। बिल्कुल सही बात। सर आज इंडिया हम पर हंस रहा होगा, बांग्लादेश खुश हो रहा होगा? नहीं तो हंसते हैं ना, वो तो हंसते हैं, कौन मोदी ने क्या कहा आपको कि पाकिस्तान को छोड़ो, हमें वो वैल्यू नहीं दे रहा, वो उसकी नज़र में हमारी वैल्यू ही कोई नहीं है, ये पता नहीं क्या समझते, फंडे खा बने फिरते हैं।
ये मतलब अब शर्म आती है मुझे, यकीन माने मतलब ये हमारी बीबी वो आती थी, वो कहती कि इससे बड़ी बेगैरती क्या है कि हम अपनी औरतों पे, अपने बच्चों पे, अपने बूढ़ों पे जुल्म कर रहे हैं। यार हमारे नबी ने तो ये कहा था कि जंग हो तो औरतों बूढ़ों को भी कुछ नहीं कहना, ठीक है, यही है ना, सुना है ना, हम सुनते हैं ना कि जंग में भी, तो ये पाकिस्तान में कौन सी जंग हो रही है भाई, ये जो औरतों को पढ़ के ले जा रहे हैं, बूढ़ों को मार रहे हैं, क्या जुल्म किया वो उन्होंने, हम मंदियाँ देख नहीं रहे। और सच्ची बात है, मुझे कौम पे अफसोस है, कौम पे अफसोस है कि इतना कुछ देख के भी फिर भी मतलब आंखें बंद करके फिर रही यार, बड़े दुख की बात। हिंदुस्तान कह रहा है कि तुम कहते हो कि पाकिस्तान जो मुसलमान है मुसलमानों पर हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है वो क्या है? अब ये मुझे तो हंसी आ रही है इसमें, हमें मतलब शर्म आनी चाहिए कि हम कहते हैं इंडिया के मुसलमान पर जुल्म हो रहा है, और जो जुल्म इधर हुआ है वो तो चलो हिंदू है ना, गैर मुस्लिम है, अल्लाह को मानते ही नहीं है, कुरान को नहीं मानते हैं, नबी को नहीं मानते हैं, वो तो हम पे जुल्म करेंगे, और हम जो अल्लाह को मानते हैं, कुरान को मानते हैं और अल्लाह के नबी को मानते हैं, हम क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ? अल्लाह के नबी की और अल्लाह की नहीं मानते, और वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो मतलब ये कि वो तो काफर हैं, मतलब ये कि हम अपनी अल्लाह के नबी को मानने वाले को उनकी बात नहीं मानते, जो आप बात कर रहे हैं। सर अभी आज आप जिसे जिसे आप काफिर कह रहे हैं वो आज देखेंगे कितनी ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो गए हैं सर, इंडिया को दुनिया पूछ रही है। मुझे अब शर्म आती है, वो मतलब 500-600 डॉलर सासे हैं, सोचा आपने उनकी फौज कहाँ है, उनकी आईटी कहाँ है, वो उनकी कौम उनका वो देखे तो सही, हम कहाँ हैं? और ये जो है ना छलांगे में आ रहे हैं जी, हमने डिफॉल्ट होने से बचा दिया, हमने तो 30 सालों में मुल्क बेड़ागर कर दिया कि दूसरे मुल्क से मांग के, तो कह रहे हैं डिफॉल्ट होने से बचा लिया, तो 30 सालों में तो उन्हें डिफॉल्ट किया ना, हम आवाम ने तो कुछ नहीं खाया, हमारी तो रोटी नहीं पूरी होती, हमारे बच्चों की फीस इलाज नहीं पूरा होता, अस्पताल में जाए तो वो अब आपको पता ही है, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे। अगर हम आज अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशन बेहतर कर लें, ना हमारे अफगानिस्तान के साथ बेहतर है, ना हमारे बांग्लादेश के साथ बेहतर है, ना हमारे इंडिया के साथ बेहतर है, अगर इंडिया के साथ आज तल्लुकात बेहतर कर लेते हैं, ट्रेड हो जाती है, आपको नहीं लगता कि हम इस कहल के सारे से बाहर आ सकते हैं? तो अगर ये बात हो, इससे अच्छी बात ही कौन है, अगर हम उनके साथ मिलकर रहें, ये मतलब पहले उधर से मतलब जो होती थी तजारत, इधर काफ़ी मतलब चीज़ें सब्जियाँ थी जो सस्ती मिल जाती थी, जब से वो बंद हुई है उस वक्त से मतलब देखो कम महंगाई कहाँ पे चली गई, हर चीज़ महंगी हुई है। सर आप किस मुंह से इंडिया के पास जाएंगे? यहाँ से हम गालियाँ देते हैं, हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं कि इंडिया को फतह करेंगे, इंडिया को मार देंगे, अभी जब हालात ख़राब आते हैं तो फिर हम जाते हैं ट्रेड के लिए, जब सैलाब आया था तो हमने इमरजेंसी ट्रेड करवा के टमाटर मंगवा लिए, लेकिन जब हालात सही हो जाते तो हम उन्हीं को आके दिखाते हैं। नहीं नहीं ऐसी देखे ना, वो बेसिकल तो वो सच्ची बात जो बताना, वो है तो हमारा दुश्मन ना, उसने हमारे में नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, लेकिन एक मतलब इधर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, थोड़ा बताएं मैं आपको बेटे, थोड़ा सा मैं भी शायद आपको कुछ बता सकूं। यार मैं आप कैसे बताऊं आपको, मतलब बात लंबी हो जाएगी, आप बता दें, चलो करें आप लंबी करें, आप बताएं ना वो हमें किस तरह से नुकसान पहुँचा सारी चीज़ें, आप एक कोई बता दें। पहली बात तो क्रिकेट का मामला ही ले लें, क्रिकेट का उसमें हमेशा उसने हमारी मुखालफत की है, हमें नुकसान करेगा ना वो, करेगा ना क्यों नहीं करेगा? यही आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर को गोली मार दी जाती है रोड के ऊपर, एक्स प्राइम मिनिस्टर पर जानलेवा हमला किया जाता है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे अभी क्या हुआ, बम धमाका हुआ मौलाना फजल रहमान के उसके अंदर, फिर हम एक दुश्मन मुल्क के जिसे हम अपना दुश्मन कह रहे हैं उन्हें हम कहेंगे पाकिस्तान के अंदर खेलने आओ, क्रिकेट वो किस तरह से आएंगे? आप मुझे बताएं, एक मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर सेफ नहीं है। ये है उनकी मतलब हमारी हमारी सियासी जो है ना हमारी आपस के अंदर बात है, ठीक है ना, तो वो जो इंटरनेशनल बात होती है ना उसको इससे ना ना मिलाएं, ठीक है ना, वो तो गलत बात कर रहे हैं आप। आपने कहा ना कि क्रिकेट मैच में मुखालफत करते हैं, मुखालफत करते हैं वो, ये मुखालफत दूसरे मुल्कों के कर रहे हैं इधर, वो खेल रहे हैं, अरे आप खेल, इंडिया को मौत पड़ती है वो क्यों नहीं खेलता आके, उसको दूसरे मुल्कों को तो पता है ना कि इसके विदेशों पे गोलियां चली हैं, दूसरे मुल्क हमारे दुश्मन नहीं ना है अनफॉर्चुनेटली। आपने कहा कि दूसरे इंडिया हमारा दुश्मन है, दूसरे मुल्क हमारे दुश्मन नहीं है सर, आप दुश्मन बंदे को आप अपने मुल्क के अंदर बुला रहे हैं, आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से बात सुन ना, उनको चाहिए ना सिक्योरिटी के हमारे खिलाड़ी महफूज रहे, तो वो तो उनको सब कुछ मिल जाए, फिर उनको क्या मसला क्यों नहीं आते? आप बात आप पढ़े लिखे हैं, मुझे लग रहा है कि आप बात नहीं समझ रहे, सॉरी दुश्मन है, दुश्मन मुल्क का एक बंदा आ रहा है, हालात सही हो साफ सुथरे हालात होते कि अगर यहाँ पर कोई दहशतगर्दी ना होती तो वो भी कह देते चलो यार खेलने चले जाओ। सच्ची बात ये ना, ये जो ना इंडिया हिंदू और हम, ये हमारा ये इतना मसला नहीं हमारा, वो वैसे ही बचपन शुरू से ही वो जो ना कई सालों से हमारी आपस में वो क्लैश चला रहा है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, वो शुरू से हमारे दुश्मन है, उनको तो बहाना चाहिए कोई ना
के मतलब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने, सिंपल सी बात क्या है सर? पाकिस्तान को बहाना मिल जाएगा पाकिस्तान को हिंदू, एक मिनट, क्या पाकिस्तान को पाकिस्तान के दुश्मन अभी हिंदू बने हुए या हम खुद बने हुए? आप इसका जवाब सच्ची भैया तो हम खुद बने हुए, इसमें तो कोई शक नहीं ना। हम हिंदुओं को क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी के ठहराते हैं? वो भी तो रिस्पॉन्सिबल है ना, ये भी तो माने ना। आप इतने ताकतवर बने अगर अमेरिका भी आप पर साजिश करे तो आपकी साजिश नाकाम हो। असल सच बात तो चाइना है ना, ये दूसरे मुल्क ईरान है ना, तो वो बने ना ताकत, वो अमेरिकन को कुछ बिगाड़ सकता है? अमेरिका में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, किया कुछ उसका ईरान का? लूजर्स आल्सो मेक्स एक्सक्यूजेस। शुमाली कोरिया, लूजर्स हम। कोरिया कितना सा मुल्क है, वो उसको धमकियां देता है इधर, उसके जुड़ा तो ये है उसके शुमाली। कहा जाता है कि नाकाम लोग हमेशा से बहाने बनाते हैं, हम लोग नाकाम है, हम बहाना बनाते हैं। इंडिया ने हमें कामयाब होने नहीं दिया, अमेरिका ने हमें कामयाब होने नहीं दिया। हकीकत बात बताऊं आपको, मैं हकीकत बात बताता हूं, सबसे ज्यादा पैसे हमने अमेरिका से लिए हैं, उसी को गालियां देते हैं। यार वो तो ठीक है, पैसे तो अमेरिका से लिए है ना, लेकिन कहने का मतलब यह है कि वो एक दूसरी तरफ हमें नुकसान भी तो पहुंचाता है ना। वो अमेरिका ना अमेरिका ने हमने नहीं लिए, उन्होंने अपने मुफाद के लिए दिए, उन्होंने मैं आपको आजे। हमारा जमीन खरीदता है वो, असल में वो पैसे दे के हमारा जमीन खरीदता है, उसने देख लिया कि हम लोग पैसे के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले। सर एक मिनट मेरी बात सुन लिए, आखिरी बात सुनकर जाएं। अमेरिकन ने कहा कि पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी मां तक बेच सकते हैं, आप बताएं इस किस्म के हल्का बात हमारे लिए है? इसके बाद तो डूम भरना ही चाहिए हमको, ये जो सारे पाकिस्तान डूम भरे सारे हम। मैं अर्ज कर रहा था कि देखें वो हमारी जरूरियात पूरी करने के बाद वो हमारी जमीन खरीदता है। देखें हम इसलिए अमेरिका के खिलाफ नहीं है कि वो बहुत जिद्दत में जा रहे हैं और हम पीछे पीछे, हमारे रहने की वजह ये है कि हमारी जब उसकी नज़र पे जेब पे नज़र रहती है तो फिर हमारी कामयाबी नामुमकिन है। सर तो नाकाम है शायद हम। अभी क्या है, अब हम दुनिया से कर्ज ले रहे हैं, उसका सूद देंगे तो मुल्क को हम डिफॉल्ट से निकाल रहे हैं। सर एक बात बताएं, ये अपना टैक्स पूरा दे जो इनके हाथ से आता है ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन महंगाई क्या, बिल क्या, हर चीज इन्होंने देनी है। एक मुल्क में रहने का यही कसूर है इनका, क्या जो टैक्स एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे हैं। पेट्रोल कितने का ले रहे हैं पता, 237 का हो गया, अभी 273 रुपए का हो गया। आप बताएं मुझे क्या हालात हैं आपके? हालात तो बहुत ही ज्यादा खराब है। अब आप पूछेंगे इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदार साबका हुकूमत है और कौन है? आप सबको पता है, हमें भी पता है, जो पुलिसें इमरान खान साहब की थी वो आज हम भुगत रहे हैं। अब ये तो नवाज शरीफ साहब को या शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने इतनी जदोजहद की और ये मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, वरना हम क्या करते, आज हमारा श्रीलंका जैसे हाल होता। वैसे बात कर रहे हैं आप गैर सियासी बात कर रहे हैं, सियासी हो या गैर सियासी हो, हमने तो वो देखना है जो सच है। सच है वो मरान जो है 3.5 साल में खत्म कर गए, ये 40 साल में नहीं खत्म कर सके। तो यार 3.5 साल में उसने किया क्या है, कोई ऐसी बात बताओ कि हम कहेंगे यार आज ये काम किया है। 3.5 साल से डबल हुई है यार, डबल हो गई है। जब आप कर्जा लेके खा जाएंगे तो फिर कहाँ से देंगे? ये को मत भी ले रहे, आप मुझे बताएं एक बात बताएं, हम यहाँ पर नरेंद्र मोदी को अच्छा नहीं समझते, इंडिया को अच्छा नहीं समझते, आप मुझे बताएं नरेंद्र मोदी ने इंडिया को 5 महीशत बना दिया अपने दौरे हुकूमत के अंदर, अपने मुल्क के लिए कितना बेहतर है? याफ्ता मुल्क हो गया, पाकिस्तान पीछे जा रहा है, क्या इनमें सलूक नहीं, इतफाक नहीं है पाकिस्तान? लेकिन वो बंदा कह गया माँ भेज देते हैं, ये गलत बात है, मजबूरियाँ होती हैं। सर मजबूरियाँ खुद इंसान करता ना अपने लिए, काम क्यों नहीं करते हम? ये बात तो आपके यहाँ पर आप देखते हैं पाकिस्तान के नौजवान कितने हैं, किसी को यहाँ पर नौकरी नहीं करे तो उसने बैठ के खाना। बस गवर्नमेंट की पॉलिसी थोड़ी सी उल्टा है ना, पॉलिसी अच्छी हो तो काम सारे ठीक हो जाए। सही हो गया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। एनएस डॉक्टर बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है, ये कह रहे हैं पाकिस्तान का हिस्सा है बलूचिस्तान, तो क्या बलूचिस्तान लोगों को उनकी आज़ादी मिल रही है? बिल्कुल, ये हमारा अपना जाती यानी कि निजी मामला है पाकिस्तान का, तो अगर कोई भी तंजीम या कोई भी अदारा इस तरह की कोई बात करता है तो वो सरासर नाजायज़ है। तो इस सिलसिले में यानी कि हुकूमत पाकिस्तान को भरपूर इस तरह तवज्जो देनी चाहिए, वहाँ पे अगर कोई कमी बेशी है, सहूलियात का फुकदान है, तो उसको उस बलूचिस्तान के वज़ीर आला या गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से राबता करना चाहिए, ताकि इस किस्म के एहसास महरूमियत के तबके को यानी कि मसाइल का हल अगर वो बर वक्त हो तो ऐसे इकदाम वो ना उठाएं।
और दूसरी ये बात के अगर एक घर में पांच भाई हैं तो वो एक जैसी सोच नहीं रखते, किसी एक फर्द या एक तंजीम से कि पाकिस्तान के लिए ये जो काम कर रहे हैं, तो इस तरह नहीं होता कि वो यानी कि पूरा पाकिस्तान ऐसे है या हमारी गवर्नमेंट कमज़ोर है। हमारी गवर्नमेंट इंशाल्लाह किसी भी लेवल पर, हमारी आर्मी किसी भी लेवल पर, वो एक मुनज़्ज़म अदारा है, मुनज़्ज़म गवर्नमेंट है। तो हर जगह पूरी दुनिया ले लो, यानी कि चाहे इंग्लैंड है, अमेरिका है, हर जगह हर तबके में ऐसा होता है। चंद अनासर जो कि बैरूनी साजिशों का हिस्सा बन जाते हैं, तो वो हर मुल्क में है, तो ये कोई इतना इशू नहीं है। बलूचिस्तान लिबरल आर्मी बनी हुई है, जहाँ पर डेली वहाँ पर वो आर्मी हमारी अफवाज को मार रही है, पाकिस्तान की अफवाज लास्ट टाइम आप देखेंगे शहीद कर रही है, तकरीबन हमारे 15 से 20 जवान को बलूचिस्तान लिबरल आर्मी ने मार दिया। क्या कहना चाहेंगे अगर ये ही चलते रहे इस तरह, तो कश्मीर का केस अपनी जगह पर, दूसरी जगह बलूचिस्तान भी हमसे छिन जाएगा, तो पाकिस्तान के पल्ले रहेगा क्या? देखिए, मैंने फिर वही बात पर उसी तरफ मैं आता हूँ कि हमारी कुछ खामियाँ हैं, हमारे अदारों को इस पर तरफ नोटिस लेना चाहिए। हमारी कुछ खामियों की वजह से ही हमारे भाई जुदा होते हैं, तो एक घर का भी मसला इसी तरह पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ बलूचिस्तान में, हर जगह इस बात को फोकस करना चाहिए। गवर्नमेंट का ये अव्वलिन फ़र्ज है कि ऐसे अदारों को, ये मसाइल क्यों होते हैं, हमें ये सोचना है कि वो लिबरल, आप जो भी बात कर रहे हैं तो वो एक लिबरल की हैसियत से कर रहे हैं ना, लेकिन गवर्नमेंट को और भी बहुत सारे मामले में इसकी तरफ तवज्जो दें। इंशाल्लाह कोई ऐसा अदारा बनेगा ही नहीं है। आप जापान की मिसाल ले लें और दूसरे कंट्री की मिसाल ले लें, उन्होंने निज़ाम अदल को कायम किया, हमारे मुल्क में निज़ाम अदल नहीं है बदकिस्मती से, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर निज़ाम अदल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस कौम में अदल नहीं होगा वह हलाक हो जाएगी। हमारी, मैं अपनी गवर्नमेंट पर यह तनकीद करता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट की सतह पे इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है, हमारे मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, निज़ाम अदल कायम नहीं है। अगर जिस कौम में अदल आएगा वो कौम बन जाएगी, क्योंकि हमें हमारे सर जिस तरह से यहाँ पर आज़ादी की तहरीकें उठ रही हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान में देखें, वहाँ पर भी, कश्मीर में देखें वहाँ पर भी, अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे पंजाब के अंदर भी हकूक ना मिलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो जा रहे हैं। अभी सिंध में भी यही हो रहा है, बलूचिस्तान में भी ये सब कुछ चलेगा, सिंधु चाहते हैं सिंधु देश बनाना। क्या समझते हैं कि ये सारा कुछ अगर डिवीज़न हर तरफ से अपनी अपनी तहरीकें लोग चलाकर आगे आ रहे हैं, तो ये किस वजह से है? क्या हम इतने ही कमज़ोर हैं कि हम अपने मुल्क के हालात को नहीं बराबर कर पा रहे हैं? स्टेबिलिटी नहीं है कहीं भी आप देखेंगे, हर आवाम दूसरा बंदा रो रहा है घर के खर्चे ना पूरे होने की वजह से। सर ये हालात कब तक चलेंगे, और अगर इस तरह रहे तो क्या लगता है पाकिस्तान के हालात किस तरह देखते हैं आप? जब तक मुखलस, ईमानदार और मेहनती मोहब्बे वतन लोग हमारे ऊपर नहीं आएंगे, तो ये इसी तरह सारी उम्र 70 साल में ऐसे ही चलता रहा है ना, तो आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। हमें निज़ाम अदल की ज़रूरत है, बार बार मैं कह रहा हूँ, जब हर शख्स को बग़ैर सिफारिश के निज़ाम अदल मिलेगा इंशाल्लाह कहीं भी कोई लैप्स नहीं आएगा और ये मामला तय पाते जाएंगे। अब देखो, 1 लाख बच्चा अपीयर होता है MBBS एंट्री टेस्ट के लिए, बदकिस्मती देखें 3000 सीट हैं, और जो इतने टॉपर बच्चे हैं, यानी वो टॉपर बच्चे कहाँ जाएँ, यानी कि जिनके 95+ नंबर हैं वो MBBS के लिए ख्वार हो रहे हैं, और जिनके पास पैसा है कुछ बच्चे वो दाखिला लेने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही, हमारा टैलेंट ज़ाया हो रहा है। इसी तरह हमारे मुआशरे में ये मामलात चल रहे हैं, अगर हम उसकी तरफ कोई तवज्जो दें तो इंशाल्लाह ये मामलात, ये अदारे, ये बगावतें नहीं होंगी, ये बेरोज़गारी नहीं होगी। हमारे हुक्मरानों को ये चाहिए कि इस तरफ जो भी मामलात हो रहे हैं, लेकिन बुनियादी हकूक ही नहीं मिल रहे हैं हमारे, कोई टैक्स का निज़ाम नहीं है, किसी को टैक्स के लिए चेक नहीं किया जाता, अंडरग्राउंड सब टैक्स, यानी कि हमारे टैक्स को बेईमानी से लगाया जाता है। सर यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तरफ हम हैं जो कि अपने मुश्किलात के शिकार है, यहाँ पर आप दे रहे हैं हर तरफ हर बंदा ही रो रहा है, दूसरी तरफ अगर आप इंडिया के देखेंगे सर, वो दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत बन गया है, वो डे बाय डे तरक्की कर रहा है, कोई हर रोज़ कोई नई खबर सुनने को मिल जाती है, आज उन्होंने रॉकेट लॉन्च कर दिया, आज उन्होंने खला में चंद्रयान 3 भेज दिया, आज उन्होंने IT इंडस्ट्री में इतने बिलियन डॉलर्स कमा लिए। सर वो हमारे पूरे पाकिस्तान के जितने अभी रिजर्व नहीं है उतने वो स्पेस के अंदर सेटेलाइट लॉन्च करके पैसे कमा रहे हैं, सर उनका विजन क्या है और हमारा विजन क्या है? देखिए, वो एक मेहनत कर रहे हैं ना अपने विजन पे, वो उसके तरफ फोकस कर रही है, गवर्नमेंट भी कर रही है, आवाम भी कर रही है,
हमारी गवर्नमेंट तो पहले नंबर पे वो ही नहीं कर रही, तो आवाम तो उससे बदतर हाल है, वो भी इस तरफ तवज्जो नहीं आ रही। अब देखो जैसे कि जापान, मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई है जापान के बंदे से, इंडिया ही में गया हुआ था, उन्होंने कहा कि ज़हनी काबिलियत से तरक्की होती है, जोर लगाने से। अच्छा, इंडिया गए हुए हैं आप? मैं 2013 तक जाता रहा हूँ। ओके, तो बहुत बड़े चश्मदीद गवाह आप। तो वहाँ के क्या हालात हैं? अगर वो मुल्क डेवलप कर गया, तरक्की की तरफ गया, तो क्या वजूहत? हर मुल्क डेवलप कर रहा, मलेशिया हमसे बाद में आया, आज देखें चाइना 70% वहाँ छा गया, उन्होंने उनको अपॉर्चुनिटी दी है और वो टेक्नोलॉजी ले आया और वो तरक्की कर रहे हैं। तो इसी तरह देखो हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों को मौका नहीं मिलता, टैलेंट बाहर खुआर हो रहा है और जो बगैर टैलेंट के हैं वो हमारे ऊपर मसल। यहाँ पर एक सवाल पूछूंगा सर, आप इंडिया गए हुए हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो लोग यहाँ पर कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है, क्या आपने जब 2001 से 2013 के दरमियान में आप क्या कुछ देखते रहे वहाँ पर, क्या वाकई में बड़ा जुल्म होता है? देखो मैं इसको ये देखो ना, फिर वो मैनेजमेंट मामला है। अगर हम बात करें कौम मुसलमान कहीं भी है, इत्तेहाद का फुकदान है। आप देखो सबसे बड़ी मौशियत मुसलमानों की इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन सऊदी अरब की है, वो हमारे लीडर आन में है, पाकिस्तान यानी पूरी उस मुसलमान उम्मा को लीड कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती देखें हमारा जो लीडर है सऊदी अरब, उसकी क्या सूरत हाल है मुसलमानों के बारे में। तो इसलिए कि कबल वक्त हैं ये बातें, किसी के मामला तो वहाँ पर अगर वो कौम चाहें अपने अंदर, अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि खुद ही कौम बनती है, तो हमारे अंदर बनने का जज्बा ही नहीं है। मैंने आपको इंडिया के बारे में पूछा था, वहाँ पर आपने देखा मुसलमानों पर जुल्म? देखो जुल्म हो, जुल्म तो उससे बढ़कर यहाँ। कौन से इलाके पे गए थे? मैं पानीपत गया था, यानी कि दिल्ली गया था, वो अच्छा कॉपरेट भी कर रहे हैं। कहा उससे बढ़कर यहाँ पर जुल्म होता, तो यहाँ पर क्यों हो रहा? जुल्म भी देखिए ना भाई, हम लोगों के अपनी गलतियाँ, कौन से शहर में कौन से मुल्क में नहीं होता, ये हर जगह एक जैसे पाए जाते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, टाइम देने का बहुत शुक्रिया।